आपने टाइटल पर क्या समझ गए कि आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो है शताब्दी एक्सप्रेस का, जो कि चेन्नई सेंट्रल से कोयम्बटूर के बीच में चलती है। 12243 इसका ट्रेन नंबर है और मैं आज बोर्ड करने वाला हूँ कटपाडी जंक्शन से। वैसे मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो ओखला से रामेश्वरम के बीच में चलने वाली जो वीकली एक्सप्रेस है वो खड़ी है, और दूसरी तरफ भी एक कोयम्बटूर के बीच में और चेन्नई सेंट्रल के बीच में कोई नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है। और यहाँ पे जोलारपेट्टम से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और एक ट्रेन आ रही है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, ट्रेन काफ़ी शानदार है और बहुत सारी सीट खाली भी है। मैं आगे जब बोर्ड करूँगा सब कुछ दिखाऊँगा। और सुबह के जो नाश्ते है वो चेन्नई सेंट्रल के बाद ही सर्व किया जाता है, तो वो नाश्ता मुझे आज नहीं मिलेगा जो ब्रेकफास्ट होता है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ मुझे लंच की जो पैसे है कैटरिंग चार्जेस जो 120 रुपये वही सिर्फ चार्ज किए गए हैं, और बाकी सब कुछ ठीक ठाक सा है। वैसे मैं अभी यहाँ पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे अकेला बैठा हूँ, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन आने वाले है। अभी भी आधे घंटे वक्त है, 8:48 पे उसका अराइवल है और 50 पे 2 मिनट का हॉल्ट है सिर्फ यहाँ पे। और अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म उस तरफ है, अभी उसका सिग्नल हो गया मुझे यहीं से दिख रहा है, तो अभी वो जाएगा, उसके बाद हमारी ट्रेन आने वाली है। रामपुरम की WAP-7 है, हमारे भी शायद वही हो सकते हैं या फिर एरोड जंक्शन की कोई एरोड Web-7। आगे जब आएगा मैं आप लोगों को सारी चीज़ दिखाऊंगा। चलिए अभी ट्रेन की अराइवल के इंतज़ार करते हैं। बेसिकली जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा डर था, एक्चुअली ट्रेन छोड़ने के बाद क्या हुआ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इससे पहले जो हम सफ़र गए थे उसके वजह से अभी हमारा स्पीड उतना नहीं टच कर पा रहे, क्योंकि मालूम नहीं है कि हम सफ़र कितने पे चल रही है। अगर वो 110 किलोमीटर की स्पीड से चल सकेगी तो तभी हमारे सिग्नल क्लियर होगा, इसी वजह से अभी 70-80 की स्पीड मेंटेन कर रही है, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से कुछ भी कैप्चर नहीं कर पा रहा। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को वॉशरूम थोड़ा सा दिखा दूँ, क्योंकि इससे पहले जो ट्रेन छुपी थी वो चेन्नई सेंट्रल से और कटपाडी के बीच में ऑलरेडी ट्रेन चल चुकी है, मैं कटपाडी से बोर्ड किया इसी वजह से उतने वक्त में बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया, तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा हालात दिखाऊँ, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर चला है ट्रेन और यहाँ पे शॉप डिस्पेंसर है, पानी ठीक ठाक सा आ रहे हैं और यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है, मिरर अच्छी से है, सब कुछ ठीक ठाक सा है और बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छे है। तो मैं कहना चाहूँगा कि नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे
ऐसे नॉर्मल ट्रेन में होता है, लेकिन ये शताब्दी है प्रीमियम क्लास। तो अभी देखते हैं आगे, अंदर जाके आप लोगों को इंटीरियर भी दिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे ट्रेनों में, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करना 4K में देखने के लिए, तो बेहतर क्वालिटी देखने को मिले, या फिर ना हो पाए क्योंकि आज के डेट में 5G तो आने वाले है, तो इससे बाद तो सब 5G जब आ जाएगी तब सब तो 4K में ही देखेगा सब कुछ। तो इसीलिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ 4K में शूट करने के लिए। और एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस तरह का अगर वीडियो देखना पसंद करते हो तो रेल ब्लॉग नाम की एक प्लेलिस्ट है, आप जाके वह चेक कर सकते हो, इस तरह का और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैं डबल डेकर एक्सप्रेस और वृंदावन एक्सप्रेस ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, और भी बहुत सारे वीडियो इस तरह का आने वाले हैं। और आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा कि उस तरह का जो भी है, मैं आप लोग जो भी कमेंट्स में बताओगे मैं कोशिश करूँगा कवर करने के लिए। तो चलिए आगे इंटीरियर दिखाता हूँ, और शायद अंबर भी स्कीप होने वाले, बहुत बड़ा जंक्शन है, जंक्शन नहीं है नॉर्मल स्टेशन जैसा है, तो उसको भी कवर करते हैं।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं जलरपट्टे जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है JTJ। और इससे पहले मैं इस ट्रेन को स्टेशन को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और ट्रेन अभी भी 5 मिनट डिले के साथ चल रही है। और दूसरी तरफ हमसफर एक्सप्रेस खड़ा है और अभी आप लोगों ने देखा जो कोयम्बटूर से तिरुपति के बीच में कोई ट्रेन चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन, नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन, उसकी एंट्री हुई है। तो बस इतनी सी है। इसके आगे जो सलीम जंक्शन है वो आने वाले हैं, मैं उसको कवर नहीं करने वाला हूँ, सीधा एडोर जंक्शन पे। और इसका जो लोको है ये Web 7 है। तो आगे चलती है, चलिए चलते हैं, अभी डिपार्चर में मिलते हैं। वैसे मैं बहुत दिनों के बाद अभी शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रेवल कर रहा हूँ। वैसे इन लोगों का जो बिहेवियर है, स्टाफ बिहेवियर और जो TT है, सच में बहुत अच्छे है। और इस ट्रेन में कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है। तमिलनाडु में एक चीज़ का मैं नोटिस किया, जो एक्सपीरियंस किया, कि यहाँ पे सिक्योरिटी का उतना कुछ होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह उतना होता नहीं है। अगर आप खुलेआम किसी को पूछोगे कि अगर चोरी हो जाएगा तो वो लोग कहेंगे नहीं सर, यहाँ पे चोरी वगैरह उतना होता नहीं है। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और लैंग्वेज का प्रॉब्लम अभी भी थोड़ा सा है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने डबल डेकर एक्सप्रेस का वीडियो देखा तो उसमें भी मैं यहीं पे आया था। यहीं से KSR बेंगलुरु के बीच में चली जाती है और हम लोग अभी लेफ्ट में कोयम्बटूर की तरफ बढ़ेंगे। वैसे मेरे थोड़े प्रोनाउंस में थोड़ा सा गलती हो रही है, और वह जो लुक है वो बहुत अच्छे है। अभी बहुत वक्त के बाद जो बदल आए हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो फेयर और जो कोच कंपोजिशन है, मैं आगे सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा और इंटीरियर भी उसके साथ ही साथ दिखाऊंगा। चलिए डिपार्चर पे मिलते हैं।
अभी हम लोग आ चुके हैं इडोर जंक्शन पे, और पीछे इसका लोकोशेड था। मैं कोशिश किया थोड़ा सा कवर करने के लिए, लेकिन लोकोशेड थोड़ा सा दूरी पर था। और ट्रेन काफ़ी अच्छी थी वैसे, बहुत दिनों के बाद शताब्दी जैसी ट्रेनों में ट्रैवल कर रहा हूँ, और इंटीरियर वगैरह आगे सब कुछ दिखाऊँगा। वैसे बाहर सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बीच में ऐसा वक्त आया था जब लग रहे थे बारिश हो सकती है। और इस ट्रेन की जो मैक्सिमम रफ्तार है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे, कहाँ भोपाल शताब्दी है जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, और कहाँ इस तरह का शताब्दी जो 110 किलोमीटर की रफ्तार। जैसे लगेगी कि कोई ICF कोच है, अगर आप गरीब रथ में ट्रैवल करोगे तो आपको इससे ज़्यादा स्पीड मिलता है। तो रेलवे की आपकी जो हालत है ये सुधारना चाहिए, और ट्रेन के जो डिले था वो काफ़ी अच्छे तरह से मेंटेन कर दिया, अभी बिफोर टाइम अराइवल हुआ। और यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है, और आगे जब डिपार्चर होते हैं एक्चुअली अंदर जाके यहीं से खाना सब अभी ऑनबोर्ड होगा, और इसके बाद ही खाना सर्व किया जाएगा। तो डिपार्चर के बाद जब अंदर बैठेंगे तो सारे चीज़ और जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो चलिए डिपार्चर पर मिलते हैं। अंदर आके जस्ट मेरे सीट पे बैठा, मेरा जो कोच है C569 विंडो सीट, और यहाँ से मैं छोटे मोटे 2-3 कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, कुछ अच्छा सा तो नहीं आया, इसी वजह से मैं यहाँ से और कैप्चर नहीं कर रहा हूँ। वैसे आप लोगों को बता दूँ, अभी जो खाना यहाँ से बोर्ड किया गया, पानी तो इतने वक्त बाद मुझे मिला, ये पानी का बोतल अभी मिला मुझे। ये लोग क्या सोच के नहीं दिया था मालूम नहीं, मैं मांगा तब जाके दिया। और जो शताब्दी जैसे ट्रेन में ट्रैवल करने का असली जो मज़ा है, एक तो मेरे लिए है मैंगो पिकल, और दूसरा होता है जो टमेटो सूप, और उसके साथ ब्रेड स्टिक और बटर, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिलता है, इन लोगों ने कहा ये लोग प्रोवाइड नहीं करते। तो बस इतनी सी है। और आप लोगों को बता दूँ इसमें टोटल 8 कोचेज़ है और 2 जनरेटर कार, जिसमें से एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार है जिसकी की प्राइस है ऑलमोस्ट 1605 रुपीज़। लेकिन हाँ, कल रात मैं चेक कर रहा था उसकी कीमत दिखा रहे थे 1690 रुपीज़। और जो नॉर्मल चेयर कार है उसमें जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी जो टिकट की प्राइस है आज वो 1070 रुपीज़। ये डायनेमिक प्राइस है, तो कभी भी फेयर ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप लोग जब बुक करोगे चेक कर लेना, लेकिन एक्चुअल कीमत है 960 रुपीज़ के आसपास। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और दिखा दूँ कि खाने में मुझे क्या कुछ मिला है, लेकिन उससे पहले बता दूँ, मैं बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जो वीडियो वो देख रहे थे उसमें जो ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होता है या फिर जो भी स्टेशन स्किप होता है उसका नाम नहीं मालूम होता है, मेरे जो दूसरे चैनल है उसमें मैं पूरा फुल इंफॉर्मेशन के साथ ये जर्नी डालता हूँ। आप मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इससे पहले तो मैं बहुत सारे शताब्दी में ट्रैवल कर चुका हूँ, इसी वजह से मैं इसका इंटीरियर और उतनी अच्छी तरह से नहीं दिखा रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो चीज़ मैं दिखाना चाहता जिसमें से आप लोगों को थोड़ा सा भी दिखा दूँ, जैसे कि सीट, ये जो सीट दिख रहे हो, मैं नॉर्मल चेयर कार में ट्रैवल कर रहा हूँ तो इस तरह का दिखता है, और ऊपर लगेज स्पेस बहुत है, और यहाँ पे रीडिंग लाइट भी है, हाँ दोनों काम कर रहा है, और AC भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। और अभी यहाँ पे हम लोगों का खाना सर्व हुआ है, आप लोगों को दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ, जो ये जो सीट है सच में हमारे ईस्टर्न रेलवे से थोड़ा सा मुझे अलग लगा, और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो बटन है इसको अगर आप दबाओगे, दबा के पीछे कर सकते हो सीट को, लेकिन मैं अकेला हूँ इसीलिए।
तो आइए आप लोगों को दिखा दूँ क्या कुछ मिला है खाने में। मैं नॉन वेज चूज़ किया, इसी वजह से मुझे शायद चिकन ही मिलेगा। ये राइस है, सबसे पहले इसको इस तरह से नीचे की तरफ रखता हूँ और यहाँ पे चम्मच भी है तो इसको खाने के लिए ऐसे थोड़ा सा दिखा दूँ क्या कुछ मिला है। ये दाल है, दाल में वो लगाए थे और इसमें शायद ये भी दो है। ये चिकन है आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे एक कर्ड, मैं थोड़ा सा चीनी भी ले लूँगा और ये है मेरा फेवरेट मैंगो पिकल। देखते हैं जो नॉर्दर्न इंडिया में जिस तरह का मैंगो पिकल मिलता है उस तरह के है या नहीं। और इसमें चपाती है, इसको खोलने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, पहले लंच को फिनिश करते हैं, उसके बाद आप लोगों को जो भी जानकारी है जो कि बचा हुआ है सब कुछ मैं आगे बताऊंगा और खाने का टेस्ट कैसा है वो भी बताऊंगा। चलिए अभी इसको फिनिश कर लेते हैं। तो अभी मैंने क्या किया कि मेरा जो दूसरा सीट था उसको छोड़ के इस तरफ आके बैठा ताकि बाहर का व्यू भी आप लोगों को दिखा सकूँ। और मैं जिस सीट पे आया हूँ वो खाली था और आप चाहो तो इस तरह से इसको डिक्लाइन और इनक्लाइन इस तरह से कर सकते हो। वैसे अभी खाना सच में बहुत अच्छा था, बहुत दिनों के बाद इस तरह का खाना खाने को मिला। और साथ ही साथ यहाँ पे आइसक्रीम, साथ ही साथ आइसक्रीम भी मिला और दही तो था। मैं दही खाने के लिए क्या किया, थोड़ा सा शुगर मंगा लिया। और मैं जैसे कह रहा था कि लास्ट टाइम मैं जब ट्रेवल कर रहा था वो कोरोना से पहले था, क्योंकि कोरोना के बाद मैं प्रीमियम ट्रेन में ट्रेवल किया था लेकिन ये सर्विस उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। जैसे आप लोगों अगर दुरंतो राजधानी का वीडियो देखा, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। तो राजधानी और दुरंतो में इस तरह का सर्विस बंद था तो उस टाइम पे मैं ट्रैवल किया था। और अभी मैं बहुत सालों बाद जब सर्विस ऑन हुआ उस टाइम पे ट्रैवल कर रहा हूँ, सच में सब कुछ पहले जैसे याद आ गई। जैसे खाने का स्वाद, लास्ट टाइम पे जब सिर्फ जैसे मैंने कुछ दिन पहले ट्रैवल किया था और पैंटी कार्ड से खाना मंगाया था, खाना बहुत घटिया था लेकिन इन लोगों की जो खाना है सच में तारीफ करने वाली। और लास्ट में जो ट्रैवल कर रहा था वो था हावड़ा पुरी शताब्दी एक्सप्रेस, लेकिन कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिसके वजह से मैं वो ट्रैवल नहीं कर पाया था और टिकट मैंने कैंसिल कर लिया। लेकिन हाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर रेलवे मेरे ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हावड़ा पुरी जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसको दोबारा से चालू करने के लिए, क्योंकि वो रूट में सच में बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं और मैं भी उस रूट को अभी कवर नहीं कर पाया, मतलब शताब्दी जैसी ट्रेन को। और मुझे अभी भी एक दुख है दिल में कि उस टाइम पे मैंने ये नहीं किया। जब मैंने उसका कैंसिल किया उसके बाद ही कोरोना आ गया, शायद 2020 के फरवरी महीने के आसपास ही था। और बाहर का व्यू कैसा लग रहा है बताना। अभी ट्रेन पूरा खाली हो गया देख सकते हो। मैं थोड़ा सा मेरा आइसक्रीम को और पिघलने ना दूँ, आइसक्रीम का स्वाद भी पहले जैसे, सच में इन लोगों का साउथर्न रेलवे में सच में सब कुछ अच्छे है, बढ़िया सा है। जो मैंगो पिकल था वो तो मुझे लग रहा था शायद नॉर्दर्न रेलवे से मंगाया है या फिर जहाँ पे बनते हैं पूरा रेलवे में वही इकलौता मैंगो पिकल है जो सर्व किया जाता है। तो बस इतनी सी है। और आगे अभी शायद त्रिपुरा नाम की कोई स्टेशन थी जिसका मैंने कवर नहीं किया क्योंकि खा रहा था इसी वजह से। और इसके आगे सीधा कोयम्बटूर जंक्शन, चलिए आगे मिलते हैं कोयम्बटूर पे।
बेसिकली अभी हम लोग आ चुके हैं कोयम्बटूर जंक्शन पे और यही का इसका आखिरी स्टॉपेज है। तो जर्नी काफ़ी अच्छी रहा और इस ट्रेन की एक चीज़ मुझे देखकर अजीब लगा कि ट्रेन का जो नंबर है 12243, लेकिन यहाँ पे बाहर किसी भी जगह पे लिखा नहीं रहता है कि ट्रेन के नंबर और कोच पोजीशन क्या है, जैसे हम ट्रेनों में होते हैं। तो ओवरऑल जो जर्नी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और इसका स्टेशन कोड है CDE। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर ठोक देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए और कोई भी सवाल हो तो नीचे ज़रूर पूछ लेना। बाय बाय।